नमस्कार, आज हम एक ऐसे जगह के बारे में बताने वाले हैं जो आम तौर पर आपको लगेगा कि हम कश्मीर या मेघालय के वादियों में हैं। यह जो आप जगह देख रहे होंगे, इसकी खूबसूरती आप देख रहे होंगे, यह कोई बाहर की बात नहीं है। बिहार का यह मनोहारी दृश्य जमुई जिला का लच्छुआर है। इसे महावीर स्वामी भगवान का वास्तविक जन्म स्थान माना जाता है। भगवान महावीर के जन्म स्थान को लेकर विवाद हैं। कोई वैशाली लिच्छवी मानता है तो कोई नालंदा का कुंडलपुर। इसी विवादों के बीच वर्तमान समय में लच्छुआर का क्षत्रिय कुंड भगवान महावीर स्वामी का वास्तविक जन्मभूमि के रूप में तेजी से विख्यात हुआ। धार्मिक जैन मुनियों के अनुसार इतिहासकारों के द्वारा यह विवाद खड़ा कर दिया गया, जबकि लच्छुआर ही भगवान स्वामी का जन्म स्थान है। राजगृह के जैन मुनियों के द्वारा संचालित विरायतन की साध्वी संप्रज्ञा माताजी लच्छुआर को ही वास्तविक जन्म स्थान बताती हैं। लच्छुआर में भगवान स्वामी का जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर तीसरी बार वृहत रूप से बनाया जा रहा है। जैन समुदाय के लोग दूर दूर से यहां दर्शन के लिए आते हैं। जमुई ज़िला के सिकंदरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मंदिर है। उससे पहले 6 किलोमीटर की दूरी पर एक धर्मशाला भी है। यहाँ से आगे बढ़ने पर बीच रास्ते में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान पर बने मंदिर जाने के रास्ते काफ़ी रमणीय है, मनोहारी है। पहाड़ की हसीन वादियों में आज कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं। आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में आप कैसे जानें। देखिए, हमारे साथ रवि जी हैं। बताइए कि आप आज कहाँ आए। हम लोग लच्छुआर घूमने आए हैं। महावीर जी की जन्मस्थली है और हमको इसकी जानकारी यूट्यूब से मिली। अच्छा, ये जो इतने खूबसूरत आप देख रहे हैं, इस तरह की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर लोग जाते हैं बिहार के लोग। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम बिहार में हैं और हमारा बिहार भी इतना खूबसूरत है। तो इसको हम ये समझें कि बिहार की खूबसूरती, बिहार का जो एक अंदर से प्राकृतिक सौंदर्य है वो छुपा हुआ है, वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है देखने को। बिहार सरकार को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा प्राकृतिक नज़ारा है कि किसी का भी मन मोह लेता है। बिहार के इस मनोहरी नज़ारे को बहुत कम लोग ही जान पाए हैं। पहाड़ी और जंगली रास्ते से होकर गुजरती सड़क काफ़ी बेहतर है। हालांकि कुछ दूरी पर सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां काफ़ी शांति है, प्राकृतिक का पूरा आनंद यहां लिया जा सकता है। हालांकि अभी यहां बहुत कम लोग आते हैं, फिर भी अब दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। हरी भरी पहाड़ियों के नीचे बसे गांवों और खेत मन को मोह लेते हैं। जैन मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल उपयोग करना वर्जित है, परंतु बाहरी क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा रहा। नमस्कार, अभी हम भगवान महावीर के जन्म स्थान जम्मू जिले के लच्छुआर क्षत्रिय कुंड में हैं। यह एक बहुत ही धार्मिक स्थान है। जैन समुदाय के लोगों का यह स्थल है। यहाँ भगवान महावीर का जन्म माना जाता है और जैन समुदाय के लोग यहाँ पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व से अपनी पूजा और आराधना के लिए आते हैं। यह एक बहुत ही रमणीय स्थल पर बना हुआ है। भगवान महावीर के जन्म स्थान के यह जो भूमि है, जम्मू जिला के सिकंदरा से आगे बढ़ने के बाद लच्छुआर से कुछ ही दूरी पर है। अच्छी सड़क है और सुरम्य वातावरण भी है। यहाँ दूर दूर से लोग आते ही हैं और यहाँ का जो जैन मंदिर बनाया गया है, यह काफ़ी कलात्मक ढंग से बनाया गया है। यहाँ की कलाकृति संगमरमर पर उकेरी गई है, वह बहुत ही कलात्मक है। इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। बिहार के बहुत ही मुख्य सड़क पर यह स्थित है, परंतु अभी यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। कम ही लोग इसको जानते हैं या जानते हैं तो आते भी नहीं हैं। तो मैं इस अभियान में, बिहार को जानूं अभियान में, ये एक यह भी कड़ी है, छठी कड़ी है, जिसमें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां जो भगवान महावीर का यह जो जन्म स्थल है लच्छुआर का, यह क्षत्रिय कुंड है, यहां लोग आएं और भगवान महावीर के जन्म स्थल के साथ साथ बिहार के रमणीय और धार्मिक स्थल के बारे में भी जाने समझे। यहाँ आज जब हम आए हैं तो महाराष्ट्र से, गुजरात से, दूर दूर से लोग आए हुए हैं जैन समुदाय के। बिहार से भी कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ यह पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से आप लच्छुआर से होकर के आगे जब जाते हैं तो गिरिडीह का रास्ता भी जाता है,
नवादा का एक हाईवे भी इससे जुड़ जाता है। धन्यवाद।